हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन साउंड होता है उसको हम कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो इस लॉक स्क्रीन साउंड को इनेबल या डिसेबल करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो सिंपल बात है कि आपको करना है, पहले आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो वैसे पहले मोबाइल सेटिंग को ओपन करेंगे। बस मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे की तरफ गाइस स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको साउंड ऑप्शन शो होगा नीचे से स्क्रॉल करने के बाद। तो गाइस साउंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। साउंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे हमको शो होगा स्क्रीन लॉकिंग साउंड ऑप्शन। तो गाइस हमको क्या करना है, स्क्रीन लॉकिंग साउंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन लॉक साउंड है इनेबल हो जाएगा। और अगर गाइस आपको स्क्रीन लॉक साउंड डिसेबल करना है, डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन लॉक साउंड का मतलब भी बता देते हैं गाइस। तो स्क्रीन लॉक साउंड का मतलब है कि अगर गाइस आप अपने फ़ोन को फ़ोन में पावर बटन क्लिक करते हैं, जैसे कि पावर बटन हम क्लिक करेंगे इसको ऑन करके, तो गाइस एक साउंड आता है तो उस साउंड को हम ऑन कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको साउंड नहीं चाहिए गाइस स्क्रीन लॉक पावर बटन को, तो गाइस इसको हम पावर बटन को नहीं क्लिक करेंगे तो गाइस कोई साउंड नहीं आएगा। और गाइस इसको हम ऑफ कर देंगे तो हमारा कोई साउंड नहीं आएगा। तो गाइस आप कितनी बार पावर बटन को क्लिक कर लो, कोई साउंड नहीं आने वाला। तो गाइस इस तरीके से हम स्क्रीन लॉक साउंड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो गाइस आपको अगर टैप साउंड और टच वाइब्रेशन कुछ ऑन करना हो तो गाइस यहाँ से आप कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हम अपने वीवो के फ़ोन में जो टच साउंड होता है, टच वाइब्रेशन होता है, उसको हम इनेबल कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस सी यू लेटर्स।